हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल्सन एंड मॉसफेट्स मॉडिफिकेशन, जो कि स्ट्रेन थ्योरी ऑफ साइक्लो एल्केन्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो साइक्लो एल्केन्स में जो स्ट्रेन पड़ता है या उनकी स्टेबिलिटी में जो इफेक्ट पड़ता है नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने या घटने से, उसके उसके लिए जो थ्योरीज थी, स्ट्रेन थ्योरीज थी, उनमें से एक थ्योरी है कॉल्सन एंड मॉसफेट्स मॉडिफिकेशंस। बेसिकली ये थ्योरी बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो हमने पढ़ा था, उनकी थ्योरी में ही थोड़ा सा कॉल्सन ने और मॉसफेट ने जो मॉडिफिकेशंस किए उसके बारे में ये थ्योरी है। लेट्स डिस्कस इट। तो कॉल्सन एंड मॉसफेट्स ने क्या कहा कि एक सिग्निफिकेंट रिहाइब्रिडाइजेशन होता है साइक्लोप्रोपेन के अंदर, और जो कार्बन और सेंटर्स के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बेंड बॉन्ड के टर्म्स में होती है। मतलब कुछ मुड़े हुए बॉन्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े से मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो बेंड बेंड बॉन्ड्स के फॉर्म में होती है, और इस मॉडल को जो नाम दिया गया वो कॉल्सन मॉसफेट मॉडल भी नाम दिया गया। इस थ्योरी को बनाना थ्योरी भी कहा जाता है, बनाना बॉन्ड्स थ्योरी भी कहा जाता है, सॉरी। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसका मॉडल देख लेते हैं। तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ये कार्बन होंगे दो, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स होते हैं, जो थोड़े से क्या होते हैं, बाहर की तरफ बेंट हो जाते हैं, बेंट आउटवर्ड्स। तो होता क्या है कि जो इंटर ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिट ऑर्बिटल बने हुए हैं ना, तो एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाता है, 104 डिग्री हो जाता है, जो कि बॉन्ड स्ट्रेन को कंसिक्वेंसिवली क्या कर देता है, कॉन्सिक्वेंटली क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है बॉन्ड स्ट्रेन को। तो इसका मतलब ना ही ये सिग्मा बॉन्ड रह जाता है और ना ही ये पाई बॉन्ड एग्जैक्टली होता है, क्योंकि देखिए पाई बॉन्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली वीकर होता है देन सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो अगर ये सिग्मा, क्योंकि इसमें जो इसका जो बॉन्ड्स है वो कंपैरेटिवली आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंट हो जाते हैं, तो इसकी जो ओवरलैपिंग है इतनी प्रॉपर नहीं हो पाती। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा होगा, अगर ओवरलैपिंग होती है तो क्या है, ओवरलैपिंग अच्छे से होने का मतलब होता है कि यहाँ पर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है सिग्मा बॉन्ड जैसी ही, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है। तो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग ना होने की वजह से ना ही तो ये सिग्मा बॉन्ड जैसा बिहेव कर रहे हैं और ना ही ये एग्जैक्टली पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज पाई बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी ओवरलैपिंग साइड बाय साइड होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इतनी स्ट्रांग ओवरलैपिंग नहीं होती है पाई बॉन्ड्स में जैसे कि सिग्मा बॉन्ड में है। तो लेकिन इसमें क्या है, पाई बॉन्ड से तो बेहतर ओवरलैपिंग है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड से वीक ओवरलैपिंग है। तो इसीलिए क्या कहा इन्होंने कि ये कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट है पाई और सिग्मा बॉन्ड के बीच के, इनकी जो बॉन्डिंग है वो इंटरमीडिएट बॉन्डिंग है, कहीं ना कहीं बीच की बॉन्डिंग है पाई और सिग्मा बॉन्ड के बीच की। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चला जाता है, ओवरलैपिंग इसकी इस तरह से होती है कि ये आउटवर्ड सा हो जाता है और अंदर की तरफ ये इसका कम रहता है स्ट्रेन, ठीक है। तो उसकी वजह से ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है आउटवर्ड बल्जिंग सा, जहाँ के हमें जो बॉन्ड है वो कैसा दिखाई देता है, थोड़ा बेंड होकर दिखाई देता है, ठीक है। तो बेंड हो गया है बॉन्ड, इसीलिए इस थ्योरी को बेंड बॉन्ड भी कहा जाता है मॉडल को। और यहाँ पर क्या, अगर ऊपर से देखा जाए इसको, मॉडल को पूरा फिल कर दिया जाए, तो हमें ऐसा शेप लगेगा कि थ्री बनानास जो हैं वो इस तरह से अरेंज्ड हैं, तो इसीलिए इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, बिकॉज ये बेंड होके ऐसा दिखाई देता है, राइट। तो यही थी इनकी थ्योरी। तो इसीलिए इस थ्योरी का जो कंक्लूजन निकलता है उसमें ये होता है कि जो सी सी बॉन्ड है हमारा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ साइक्लोप्रोपेन हैव मोर पी करेक्टर, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है साइक्लोप्रोपेन का, उसमें पी करेक्टर ज्यादा होता है देन नॉर्मल, ठीक
ठीक है, नॉर्मल कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगा उसमें क्या होता है, एस करेक्टर ज्यादा होता है इन कंपेयर टू दिस बॉन्ड, राइट। तो एक तो ये चीज हो गई कि नॉर्मल से ज्यादा पी करेक्टर इसमें होगा, लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें क्या होगा, एस करेक्टर ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो एस करेक्टर ही ज्यादा होगा। अब होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इस एक्स करेक्टर की वजह से, और जो कम एस करेक्टर की होने की वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके ऊपर स्ट्रेन पड़ जाता है, और साइक्लोप्रोपेन रिंग का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वीकर हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि क्या है ये, इट्स अ टाइप ऑफ एल्केन, उसके बावजूद भी साइक्लो एल्केन है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स हमें पता है, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं एल्केन्स में, साइक्लो एल्केन्स में, उसके बावजूद भी इसका जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है, उस पे स्ट्रेन पड़ जाता है, राइट। तो यही है इस थ्योरी के बारे में, और यही रीज़न होता है क्योंकि स्ट्रेन पड़ रहा है इसीलिए जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि स्ट्रेन पड़ रहा है तो ये ब्रेक हो जाएगा इजीली, और ब्रेक हो जाएगा तो ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए हायर रिंग सिस्टम में जब हम जाएंगे उसके कंपेयर में जो लोअर रिंग सिस्टम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन हायर रिंग सिस्टम इन साइक्लो एल्केन्स। तो अगर इसके एंगल्स हमें दिखाने हैं तो हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन उसका दे सकते हैं कि ये जो आपका इंटर ऑर्बिटल एंगल है वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि ये 104 डिग्री होता है, और इंटर न्यूक्लियर एंगल वही सेम जो बेयर्स ने दिया था 60 डिग्री, उन्होंने इसको वही रखा है, ठीक है। तो इनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या चेंज हुआ है, इंटर ऑर्बिटल एंगल चेंज हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरी व्हिच इज कॉल्सन एंड मॉसफेट मॉडिफिकेशन। आई होप ये छोटी सी थ्योरी है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बट बस बेंड बॉन्ड के बारे में इम्पॉर्टेंट बताया गया है। और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो बेंड बॉन्ड्स होते हैं, दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसका जो स्ट्रेन इसमें आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच का, वो इसलिए आ रहा है कि उसका जो करेक्टर है पी करेक्टर इंक्रीज हो रहा है और एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि सिग्मा जो बॉन्डिंग है वो उसके कंपेयर में, ओरिजिनल सिग्मा बॉन्ड्स के कंपेयर में सी सी बॉन्ड के बीच में जो स्ट्रे वो की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, और पी बॉन्ड के कंपेयर में ये स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट है कहीं सिग्मा बॉन्ड और पी बॉन्ड के बीच का, ये इसमें दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंटर ऑर्बिटल जो एंगल होता है वो 104 डिग्री का इन्होंने बोला है, सजेस्ट किया है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो इस मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक बचता है इस यूनिट का हमारा, दैट इज सैशे मोर थ्योरी, दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। और तब तक के लिए स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, बाय।